दोस्तों आज मैं आप लोगों को सारस पंछी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सारस पंछी दुनिया का सबसे बड़ा पंछी है जो उड़ सकता है, यानी कि उड़ने वाले पंछियों की गिनती में ये पंछी सबसे बड़ा है। सारस पंछी अधिकतर अपने जोड़ों में रहना पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में सारस पंछी की कुल 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 5 प्रजातियां भारत में मौजूद थी, लेकिन 5वीं प्रजातियां साइबेरियन क्रेन सन 2002 में विलुप्त हो गई थी। आज पूरी दुनिया में सारस की प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आज इस पंछी की संख्या करीब 10 से 12 हजार बची है। भारत में रहने वाले सारस पंछी अधिकतर प्रवास नहीं करते हैं और अपने निवास स्थान के आसपास रहना पसंद करते हैं। सारस पंछी का मुख्य निवास स्थान दलदल वाली जमीन, बाढ़ वाले स्थान, तालाब, झील और खेत है। ये पंछी अपना घोंसला तालाब के आसपास ही बनाता है। सारस पंछी मुख्यतः जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं और यह जोड़ा पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। यदि किसी वजह से उनके एक साथी की मौत हो जाती है तो दूसरा सारस भी खाना पीना बंद कर देता है और मौत को गले लगा लेता है। खड़े होने पर इस पंछी की लंबाई कुल 6 फीट तक हो जाती है। अधिकतर सारस पंछी शाकाहारी होते हैं, जो कि कंदमूल बीज और अनाज खाते हैं। आमतौर पर बारिश के मौसम में सारस प्रजनन करता है और प्रजनन की शुरुआत नाच से करते हैं। नर सारस प्रजनन काल के दौरान आसमान की ओर देखकर एक लंबी और मधुर आवाज निकालता है। इसके जवाब में मादा सारस 2 बार ऐसी ही आवाज निकालती है। सारस की इन आवाजों को बहुत दूर तक सुना जा सकता है। प्रजनन के बाद मादा सारस एक बार में 2 से 4 अंडे देती है और करीब 1 महीने के बाद बच्चे अंडों से बाहर आते हैं। सारस पंछी का औसतन वजन करीब 7 किलोग्राम तक होता है और उनकी लंबाई करीब 5 से 6 फीट तक होती है। अगर सारस पंछी का शिकार ना किया जाए तो ये 18 साल तक जीवित रह सकते हैं। हमारे लिए आज बड़े दुख की बात ये है कि एक समय में पूरी दुनिया में और पूरे भारत में पाए जाने वाले सारस पंछी आज सिर्फ नेपाल और भारत के कुछ ही हिस्सों में पाए जाते हैं। सारस पंछी 523 किलोमीटर तक की लंबी उड़ान भर सकता है। सारस पंछी आसमान में 35 से 40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। तो मैंने आपको सारस पंछी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।